हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार्टनिस्ट डे मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं, सिलेक्टेड है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए आज थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, नेटवर्क इश्यू के कारण। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 अगस्त को। ठीक है, हर साल क्या किया क्या जाता है, 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया गया। अगर बात करें कौन सा दिवस मनाया गया, तो देखिए 79वां दिवस मनाया गया। ठीक है, 79वां डे मनाया गया है। और देखिए सन 1942 में जब क्रिस्प मिशन आया था, ठीक है, क्रिस्प मिशन जब आया था, उस समय ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे इससे, इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो क्या रखने की घोषणा कर दी है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार कहलाएगा। ठीक है, अगर बात करें, देखिए जो हमारा मेजर ध्यानचंद, इनके नाम पर क्यों रखा गया, क्योंकि ये हमारे हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या किया गया है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस फोर्स में पहली बार महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, यानी नियुक्त की गई, ये सॉरी देखिए इधर नियुक्ति होगा, ठीक है, नियुक्ति, तो किसकी अपॉइंटमेंट की गई है, कौन सा फोर्स है, कौन सा बल है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ITBP। ठीक है, ITBP जो है, ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, महिलाओं की भी, यानी जो फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल की भी क्या की जाएगी, फीमेल ऑफिसरों की भी नियुक्ति की जाएगी, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अगर ITBP के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में, ITBP के बारे में, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की बात कर लें, तो 24 अक्टूबर, ठीक है, सन 1962 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की अगर बात करें, मुख्यालय की, तो न्यू दिल्ली में है। अगर बात करें इसके DG की, ठीक है, यानी डायरेक्टर जनरल की, तो कौन है, तो SS देसवाल हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो किसका निधन हो गया है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गोपाल भेंगरे का। ठीक है, जो गोपाल भेंगरे हैं, ये हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, कब हुआ है, तो 9 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया है। ठीक है, अगर देखिए बात करें जो हॉकी के, अभी देखिए एक और चर्चे में रही थी, ठीक है, जिनका नाम है वंदना कटारिया। ठीक है, ये क्या थी, ये देखिए जो महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है, ठीक है, महिला हॉकी टीम की ये खिलाड़ी थी, खिलाड़ी हैं, ठीक है, सदस्य हैं, तो इनको क्या किया गया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका, तो ये भी बात कर लेते हैं, तो देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है, उसका भी और महिला सशक्तिकरण का भी, याद रखेंगे, दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ठीक है, और इनको सबसे ज़्यादा पुरस्कार भी मिला था, किस राज्य से, तो उत्तराखंड से, याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना, याद रखेंगे, और गोपाल भेंगरा को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, तो किसका, कौन सा, किस राज्य का है ये, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो काकोरी कांड है, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है नाम। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए एक और, अभी एक और का नाम बदला गया था हाल ही में, तो किसका, झांसी का। ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, तो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो काकोरी कांड है उसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? तो देखिए एक एंथ्रेक्स निमोनिया है, ठीक है, तो इसका इससे क्या क्या है, एक आदमी पीड़ित हो गया, मैन क्या किया है, मैन हो गया है पीड़ित इस एंथ्रेक्स निमोनिया से, ठीक है, पीड़ित हो गया है। तो अब देखिए जब पीड़ित हो गया तो ये किस देश में हुआ है या रोग हुआ मतलब चला है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चीन देश में, ठीक है, चीन में ही इसका पता चला है जो पीड़ित हुआ है व्यक्ति का, ठीक है, याद रखेंगे जो एंथ्रेक्स निमोनिया है, ठीक है, चीन में ही अधिकतर सभी कुछ निकलता है, ठीक है, चीन देश को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शॉन टेट, ठीक है, देखिए ये शॉन टेट टेट है, ठीक है, शॉन टेट, तो याद रखेंगे शॉन टेट को क्या किया गया है, ये अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज हैं तो इनको क्या किया गया है, अफगानिस्तान क्रिकेट का बॉलिंग कोच चुना गया है, ठीक है, अफगानिस्तान का याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए कब इनको नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है, तो 9 अगस्त को ही किया गया है, 9 अगस्त 2021 को। तो याद रखेंगे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।